जो हमारी एर्स्ट वाइल रियासत थी उसको दो यूनियन टेरिटरी में तकसीम किया गया। करगिल के आवाम इस तकसीम को और किसी भी डिवीज़न को, चाहे वो मज़हब की बुनियाद पे हो, रिलीजन के बुनियाद पे, रीजन के बुनियाद पे, ज्योग्राफिया के बुनियाद पे, किसी भी इवन लिसानी बुनियाद पे भी हो, मुस्तरद करती है। और डे फर्स्ट जब ये बिल पास हो गई पार्लियामेंट में और ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, पूरी 22 डिस्ट्रिक्ट में से अकेला करगिल डिस्ट्रिक्ट है जिसने इस बिल की मुखालिफत की, रियासत की तकसीम की मुखालिफत की, रियासत के शक्ल को यूनियन टेरिटरी में बदलने की मुखालिफत की, प्रोटेस्ट किया, एजिटेशंस की, हड़तालें की और सड़कों पे आए। और ये सिलसिला आज तक है। उस वक़्त भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी मजहबी और सियासी इदारों के ज़रिए। वहाँ पर पहला पॉइंट हमारा ये था कि हम इस तकसीम को नहीं मानते हैं। रियासत की जो खसूसी हैसियत है, रियासत के लिए जो आर्टिकल 370 और 35A है, इन दोनों आर्टिकल्स के खात्मे को करगिल की आवाम मुस्तरद करती है, तकसीम को मुस्तरद करती है और यूनियन टेरिटरी बनाने को भी मुस्तरद करती है। और इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है वो आपके पूरे, अब 28 बने, पहले 29 रियासतें थी, हिंदुस्तान के 29 रियासतों में जो खसूसियत जम्मू कश्मीर को थी वो किसी भी बाकी दूसरी रियासत को नहीं थी। और जो हुकूक 370 और 35A के ज़रिए रियासत के तीनों खत्ते के लोगों को, जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को और लद्दाख के लोगों को जो मिली थी, वो किसी भी दूसरे शक्ल और दूसरे कवानीन के ज़रिए नहीं मिल सकती है। इसलिए करगिल की आवाम ने इसकी मुखालिफत की।